इन दिनों बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त अपनी आगामी फिल्म कलंक के प्रमोशन में बिजी हैं। संजय दत्त इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। इस फिल्म में संजय के अलावा आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर, माधुरी दीक्षित और सोनाक्षी सिन्हा जैसे दमदार एक्टर्स दिखाई देंगे। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कबूल किया है कि एक्टिंग के बाद वो बहुत जल्द निर्देशन की दुनिया में डेब्यू करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से मैं और मेरी टीम इस पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्माण मैं अपने प्रोडक्शन हाउस द्वारा करूंगा। फिल्म और फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने आगे कहा, मैं ये फिल्म अपने पूर्वजों पर बनाऊंगा। ये एक ऐतिहासिक फिल्म होगी। इस कहानी में मैं अपने पूर्वज मोहियल को बड़े पर्दे पर दिखाऊंगा, जो कि रियल लाइफ में हुसैनी क्षत्रिय ब्राह्मण थे। उन्होंने उस दौरान पैगंबर के पोते के साथ युद्ध लड़ा था। फिल्म में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने कहा, फिल्म में मेरा किरदार राहिब सिंह दत्त का होगा, जो कि मोहियल्स के मुखिया थे। फिल्म की स्क्रिप्ट पर जोरों से काम चल रहा है। जल्द ही इसको लेकर बड़ी घोषणा होगी। बात अगर कलंक की करें तो फिल्म में संजय दत्त का रोल बलराज चौधरी का है। इस फिल्म में संजय कई सालों बाद माधुरी दीक्षित के साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।